अरे शिवा भाई, कैसे हो भाई? अरे भाई, मैं तो ठीक हूँ यार। आज आवाज तो वन वी वन ही कर लेते हैं। हाँ भाई, आपने मुझे आर्मर तो दे दिया, लेकिन यार समझ रहे हो ना, पोशन वगैरह बिल्कुल बैन कर दो या फिर हाँ मुझे भी भाई, दे दो एक आधा पोशन। अरे पोशन बैन है भाई। आप हमेशा कहते रहते हो हमेशा कि वन वी वन करो, वन वी वन, तो आज वन वी वन ही कर लेते। क्यों भाई? तो चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाओ देख लेंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई, आ जाओ। फाइट शुरू करें क्या? फाइट तो मैंने तो शुरू कर दिया है अपनी ओर से भाई, आज तो लपेट के छोड़ दूंगा बिल्कुल, कोई वो तो दिक्कत की देखते हैं बात ही भाई। नहीं है। और बाय द वे गाइस, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और इनको तो अभी देख लेते हैं शिवा भाई को, कोई दिक्कत अरे की जीवा बात नहीं भाई, है, रुक जाओ, आपको तो मैं देखता हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आ जाओ। बाहर कैसे आपको रहे हो मार भाई? के भाई साहब पूरी एसएमपी पे राज करूंगा मैं। ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा भाई, ये जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला। अरे रुक जाओ भाई, सपना नहीं है, हकीकत भी होगी आज भाई। अरे आ जाओ देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछली वीडियो में तो आपने मेरे साथ तगड़ा स्कैम कर दिया था भाई, लेकिन इस वीडियो में कोई पोशन नहीं है, तो अपना कोई कमी भी नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो, अपनी कोई कमजोरी भी नहीं है, तो मैं आपको लपेट डालूंगा बिल्कुल अच्छे से। तो तभी तो भाई, अगर आप अभी मर भी जाओगे तो आप ये नहीं कह पाओगे कि पोशंस की वजह से मरा हूँ। हाँ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मैं कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन यार एकदम 6-7 हटो आप, एकदम पोशन ऑफ फार्मिंग फैक्ट देखते हो यार, उसमें बंदा क्या ही कर लेगा बताओ तो मुझे। हाँ भाई, बात तो सही है। लेकिन आज बराबरी की फाइट होने वाली है भाई, आज आप कुछ नहीं कह पाओगे, ना ही मैं कुछ कह पाऊंगा। ओके भाई। अरे हाँ भाई, और आप तो यार गोल्डन एप्पल वगैरह खाने लग गए। भाई, अपन पूरी तैयारी के साथ आया, लेकिन एंडर पर्ल तो नहीं अपने पास, लेकिन कोई बात नहीं। और ये फ्लेम वाली बो, ये तो मेरी है भाई साहब, ये इसमें भी स्कैम यार, इन स्कैमों की वजह से अपनी एसएमपी में बार बार फाइट हो रही है, इसका कारण यार आप ही हो। अरे भाई, गलती से दे दी होगी यार। वैसे मैंने भी आपको कम खतरनाक बो नहीं दी होगी, पावर 5 की तो होगी जरूर यार। कोई बात नहीं भाई, देख लेंगे, बॉस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आ जाओ भाई, देखते हैं यार फिलहाल कौन किसको मारता है। अरे उसमें देखने का क्या है रे, अपन मारेगा ना। हाँ भाई, आप मार सकते हो यार, लेकिन देखते हैं। अपन भी यार उधर कुछ कंचा खेलने नहीं आए, अपन भी माइनक्राफ्ट खेलने आए यार, देखते हैं। अरे कोई बात नहीं है यार, आ जाओ देख लेंगे आज 1v1 में कौन किस पे बारी, लेकिन सबको पता जीवा भाई है बारी, क्योंकि आपकी शिवा भाई बार। है नूब। ओके भाई, खैर भाई साहब मस्ती तो बहुत हो गई, लेकिन अब टाइम आ चुका है आपको इस एसएमपी से अलविदा कहने का, तो जल्दी से एसएमपी को अलविदा कहो और चलो निकलो यहाँ से। अरे यार अरे रुक भाई, इतनी जाओ जल्दी भाई, निकल गए? अरे कहीं नहीं निकला हूँ भाई, बस एक अंडर पल फेंक के यार थोड़ा बहुत हीलिंग कर रहा हूँ। अरे लिंक की क्या ज़रूरत है यार, चुपचाप मर जाओ यहाँ से, चले जाओ एसएमपी से भाई साहब, वरना आपको पता तो है क्या होगा। अपन अरे भाई कुछ नहीं बहुत होगा भाई, भारी वाले पिरो आदमी है अपन लोग, और भाई आ रहा हूँ, और कहीं मत भागना इधर से। ओके तो अरे मैं किधर ही नहीं जाऊंगा भाई। चलो ठीक है, नहीं जाओगे तो मार रहा हूँ भाई साहब। और गाइस पानी के ऊपर से मज़े लेते हुए जा रहे हैं, जाते ही ख़त्म कर देंगे खेल, ख़त्म, पैसा हजम, टाटा बाय बाय। ओके तो वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी तक भी नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को तो ऑल पे सेट कर ही लो भाई साहब, और कुछ ना करो चाहे बेल आइकन को सेट करो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिलहाल तो अपने भाई को रगड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अरे मैं क्यों भाई आपको कैसा भी लग रगड़ रहा रहा है? हूँ भाई। अरे लग तो बहुत बुरा रहा है, आप जैसों के साथ फाइट करनी पड़ रही है। अरे यार ये तो मेरी गंगौर बेइज्जती है कि मैं आपके साथ फाइट कर रहा हूँ, वरना यार सामने 3-4 बंदे हो इतने, मैं फाइट ही नहीं करता हूँ। अच्छा भाई, तो आप मेरे को तो मार के दिखा दो पहले। आ जाओ भाई, आज देख लेंगे ना, पोशन पे पोशन गिरा के बेइज्जती करके रखी हुई है मेरी, लेकिन इस वाली वीडियो में लूंगा ना बदला, कहाँ पे फिर से अंडर पर्ल, क्या करें भाई साहब आपका। कोई दिक्कत की बात नहीं यार, अपने पास है गोल्डन एप्पल जो कि है अंडर पर्ल पे भारी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये एक जगह रह के फाइट भी नहीं कर रहा है, भाग भाग के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुका हूँ मैं, लेकिन यार फिर भी मेहनत तो पूरी की है वीडियो में, तो लाइक करना ना भूलें। और भाई साहब आज आवाज़ तो मैं खेल ख़त्म करके रहूँगा, आ जाओ भाई, वो तो देखते हैं किसका आज खेल खत्म होता है। शौक से देखना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन लोग हरा देंगे आपको। और भाई रुक जाओ यार, एक तो अपनी इसी ने लगा दी पावरफुल भाई। शील्ड है भाई साहब, इससे आप मिसाइल फेंकोगे ना तो भी आपकी तरफ वापस अरे भाई रिपेल कर एक बार देगी। स्क्रीन की तरफ देख लो, अरे भाई मुझे सब कुछ दिख रहा है यार। आपकी शील्ड जो मिसाइल रोकने वाली थी वो सोड भी नहीं रोक पाई यार। अरे भाई साहब तो टूट गई बेचारी यार, और क्या ही कर सकते हैं अभी। अरे करने को तो क्या कर सकते हैं आप, बस मेरे से डर के भाग सकते हो। अरे भाग नहीं रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ अब, मैंने आपको कहा तो है,
भागने का ये मतलब नहीं कि मार गया, समझे ना। हाँ भाई, एक मिनट जरा रुको भाई साहब, मैं अभी आ रहा हूँ इधर, अभी आ ही रहा हूँ। अरे यार तो मैं रहा हूँ भाई आपके पीछे पीछे। अरे वो तो मुझे दिख रहा है, चलो आ जाओ देख लेंगे कौन किस पे तो भारी आ जाओ है। भाई, देखते हैं यार कौन किस पे भारी। अब की बारी जीवा भाई सबके अरे जीवा भाई क्या शिवा भारी सब पे भाई। अरे यार ये क्या ही है भाई, कमेंट सेक्शन में बता दो यार कौन गंगौर प्रो वाला आदमी है, कौन प्रो बंदा है। लेकिन बंदे तो अपन ही है प्रो यार, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपने अर्ट भी कम है लेकिन फिर भी अपन डटे हुए हैं, क्यों? क्योंकि जिगर में दम, और दम है तो मारेंगे हम। वाह वाह भाई साहब, अरे भाई वो तो कमेंट सेक्शन सब कुछ बता देंगे अपनी ऑडियंस की कौन ज़्यादा प्रो है। अरे यार ये तो पता ही है यार, एग्जिट पोल रखवा लो चाहे आरजे द क्रिएटर पे, आज एग्जिट पोल करते हैं भाई कौन चलो है भाई, पिरो, जीवा या शिवा। ओके भाई ओके भाई, देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सबको पता है अपना जीवा भाई है सब पे भारी। अरे अरे जीवा किसी पे भारी नहीं है। कहाँ पे गया भाई तू, मैं लाइटर लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे मिलेगा वहीं पे अपने साथ उठा के नीचे फेंक दूंगा। अरे भाई मेरे पास भी लाइटर है, आप कोई मेरे पैराडाइज पे लेके जाऊंगा और उधर से धक्का मार के नीचे फेंक दूंगा भाई। अपने पास है MLG की पावर, जो कि है बहुत ही खतरनाक पावर। अच्छा भाई आ जाओ भाई, तो देखते बहुत हो हैं। चुका आपका, जल्दी से आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है भाई फालतू कामों के लिए, जल्दी ख़त्म कर देता हूँ यार मैं आपको। आ काफ़ी गया दिनों से भाई, वीडियो भी नहीं आ रही है यार, ये सब आपकी वजह से। आप पहले फाइट करते तो मैं आपको पहले ही ख़त्म कर देता, लेकिन आप भाग भाग के टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, क्या करें इसमें अब। अरे भाई मैं भी यार थोड़ा बिजी था बाकी, क्योंकि मैं सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार आजकल अपने यार द क्रिएटर चैनल पे आने वाली है गाइस। कोई बात नहीं भाई, वो भी आप देखो या ना देखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी इस वाली वीडियो को लाइक करना ना बोले भाई साहब, क्योंकि इधर आपको SMP की वीडियो ही मिलती हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त वाली वीडियो ही मिलेगी यहाँ पर, बिल्कुल अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और भाई ये सर्वाइवल सीरीज़ में तो क्या ही रखा है, कोई खास बात नहीं है, अरे भाई SMP सर्वाइवल में है सीरीज में दम। ही तो मजा आता है भाई, SMP भी। वैसे मैं यार मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ भाई। अरे कोई दिक्कत बात नहीं है। अरे भाई कहाँ पे भाग गया फिलहाल को तो अरे मैं तो यार, भाग गया। फिलहाल को तो यार अपना भाई कहाँ पे चला गया शिवा पता नहीं, लेकिन अच्छा है अगर वो यहाँ पे होता तो अपना गेट सेट गो मतलब टाटा बाय बाय वाला काम खत्म हो जाता, विच ने दे रखा पोशन जिसका अपने पास नहीं है कोई भी इलाज, तो यार अंडरग्राउंड अंडर वाटर हो जाते हैं भाई साहब, कोई जोम्बी वगैरह से खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि अपने पास एक ही हर्ट बचने वाला भाई अपना, चाहे फुली मैक्स आर्मर हो भाई साहब या फिर आप बिल्कुल नल्ले हो, आपके पास कोई आर्मर नहीं है तो भी इतनी ही हेल्थ बचती है, जल्दी से गोल्डन अपन खाते हैं भाई साहब। अगर यहाँ पे बाय चांस मतलब यार बिल्कुल ही ख़राब किस्मत रही तो भाई शिवा आ सकता है और अपने को मार सकता है, लेकिन अब तो क्या ही आएगा, अपन हम लोगों ने हेल्थ अपनी वापस कलेक्ट कर ली है, लेकिन यार वो भाग चुका है यहाँ से क्योंकि उसकी भी हेल्थ कम थी, तो अब मैंने कुछ सोचा है, तो चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मैंने कोर्ट में क्या छुपाया हुआ है, उसका पेट भाई साहब डॉगी। हाँ भाई साहब बिल्कुल, वो मैंने छुपा दिया है क्योंकि यार बहुत टाइम हो चुका है, अब अपने को SMP लेनी ही पड़ेगी, और अपने को कोई पार्टनरशिप नहीं चाहिए, अपने को पूरी SMP चाहिए, इसको तो मैं अंडरग्राउंड कर दूंगा यार डॉग को। फिलहाल को तो मैं आपको दिखाने लाया था, बोट से इधर इसको उठा के ले आया, अब भाई साहब घर जलने की बारी है क्योंकि बहुत मत्था खराब हो चुका है, वो बार बार में भाग जाता है यार, कभी खुल में फाइट नहीं करता, तो अपन लोग क्या ही कर सकते हैं, अब जब वो आएगा तो उसको निकाल देंगे, उसका आर्मर भी छीन लेंगे भाई साहब, एक बार आने तो दो, जल्दी जल्दी से घर को आग लगा देते हैं यार, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा सताया उसने, लेकिन अपन लोग भी क्या कर सकते हैं, फाइट का पूरा मौका दिया था यार अपने ने उसको, लेकिन वो भाग जाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा सामान भी है फिर भी भाग जाता है, नूब है यार क्या करें अभी। फिलहाल को यार जल्दी से इस घर को पूरी तरह से जला देते हैं, और इसके बाद नंबर है वाटर हाउस का, उसके बाद नंबर है उसके आईलैंड का, पैराडाइज का, अपन लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। तो लगभग तो मैंने जला दिया भाई, इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, लिखवा के ले लो कुछ नहीं बचेगा, एक दो प्लैंक्स बच सकते हैं, ऑब्सिडियन बच सकते हैं, और उसका ग्लास बच सकता है, वो भाई अपना वापस यार ले जा सकता है उसको, हम इतना सामान तो ले जाने दे ही सकते हैं, अपन थोड़े दयालु टाइप के बंदे आपको पता ही होगा, तो देखो यार बिल्कुल कहर ढा दिया अपन लोगों ने, और भाई साहब यही थंबनेल लेने वाला हूँ मैं, तो थंबनेल देख के वीडियो को जरूर देख लेना यार भाई, जो गाइस क्या ही कह रहा हूँ आप समझ गए होगे, थंबनेल देखने के बाद ही आए होगे, बट यार मैंने इसको बुलाया अब तक वो आया तो है नहीं। अरे भाई साहब कहाँ पे रह गया, नहीं अरे रे भाई बस आ गया यार। ओ भाई ये मेरा अगर कैसे जला भाई जी, भाई तूने साफ साफ बता दे तूने जलाया है ना। मैंने शांति का बिगुल बजा दिया भाई साहब, समझ गए हो ना, बार अरे बार में शांति भाग का जाते हो, बिगुल मैंने नहीं है आपको कहा भाई, था यार, मैंने कहा था 1v1 रह के फाइट करो, आप माने नहीं, बार बार में भाग जाते हो, लेकिन हर बार मैं क्या करूं भाई साहब, और
एक बार जरा डॉग हाउस में जाके दिखाओ यार, फिर आप कहोगे मुझे बताया नहीं था। डॉग हाउस में क्या भाई? डॉग हाउस में कुछ नहीं है भाई, यही तो दिक्कत है कि भाई उसके अंदर कुछ नहीं है, समझ अरे गए होगे भाई ना। तूने यार फिर से गन्नू को उठा लिया क्या यार? तू हमेशा ऐसा ही करता है भाई जीवा, तू कभी यार खुले में फाइट करता नहीं, हमेशा गन्नू को उठा लेता किस है बार भाई, फिर। मैं खुले में फाइट करा था, भाग गया आप। अरे तो तूने भाई गन्नू को क्यों उठाया और ये घर भी जला दिया तूने? मैंने आज तक कभी यार तेरा घर वगैरह नहीं जलाया, और तूने पैराडाइज को भी एक्सप्लोड कर दिया अरे था। भाई याद करो, सबसे पहले एसएमपी में किसका घर जला था भाई, जरा याद तो करो वो तो जय ने जलाया था ना। ना। ना भाई ऐसे अभी ज़्यादा शाने बनने की कोशिश मत करो, लेकिन उन सब बातों का खैर अब कोई मतलब नहीं है, वो बातें पुरानी हो चुकी हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं है। आ जाओ मुझे अब बात सुनो भाई ध्यान से, आर्मर चाहिए, सब कुछ चीज़ चाहिए, और चुपचाप भाई एसएमपी छोड़ के चले जाओ। मैंने आपको बहुत बार कह दिया, लेकिन इस बार मैं आपको डॉग वगैरह कुछ नहीं देने वाला, वो डॉग जब तक सलामत है जब तक आप एसएमपी से दूर रहोगे, समझ गए ना भाई, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो जल्दी से अपना आर्मर उतार के मुझे दे दो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। अरे यार मर तो दे दूंगा भाई, लेकिन गन्नू तो दे दो मेरे को। वो नहीं मिलेगा भाई साहब, अब जब तक आप एसएमपी से दूर रहोगे गन्नू जिंदा रहेगा, उसको अपन कुछ भी नहीं करेंगे। मैं वीडियो में उसको दिखाता रहूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन वो सीक्रेट जगह नहीं दिखाऊँगा मैं। तो यार आपने तो तगड़ा वाला स्कैम कर ही दिया है आज, लेकिन बदला तो मैं लूंगा यार आज, ये बात मेरी नोट कर लेना, मैं बदला जरूर लूंगा। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं यार, बदला लेने आ जाना, फिलहाल जल्दी से निकलो, फिर आप कहोगे मुझे निहत्ते को मार दिया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। क्यों भाई? अरे मैं तो जा रहा हूँ भाई इधर से। अरे चले जाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइज यार इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में स्कैम करेंगे बिल्कुल तगड़ा वाला, जो किसी भी नहीं सोचा होगा। सो थैंक यू गाइज।